हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 17 देखते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। कहता है केयरफुल मेजरमेंट किया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी सरफेस पे हमने ब्लैक बॉक्स के, जो इंडिकेट करता है कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मतलब इसको पॉजिटिव मान लेना है यहीं पे, थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस मच 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो लिख देते हैं पहले ही अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि पॉजिटिव टर्म है, 8×10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो अपन को ये जानकारी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अज्यूम ये कर लेना है कोई भी आर्बिट्री शेप का आपके पास ब्लैक बॉक्स होगा, इससे अगर बच्चों नेट फ्लक्स आउटसाइड जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और वो चार्ज भी बच्चों प्लस का होगा, ये थ्योरी कहती है। यहाँ से अगर टीचर कहता है कि चार्ज जो कि इनक्लोज्ड है वो निकाल के बताओ या इनसाइड चार्ज बताओ, तो हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का टर्म गिवन है 8×10³ और एप्सिलॉन होता है वैक्यूम में 8.858×10⁻¹². राइट, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8×8.8 करोगे तो ये आएगा 70.4×10⁻³, ये 3 है तो यहाँ -9 बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर अपन डेसिमल्स को डिस्प्लेस करें तो ये 0.07 कर लूँगा, 3 इधर शिफ्ट कर दिए मैंने, तो आंसर हो जाएगा -6, जिसको लिख सकते हो आप माइक्रो कूलम के टर्म में, जो कि फेवरेबल होता है कॉपीज में लिखने के। 0.07 माइक्रो कूलम है आपका चार्ज जो कि इनसाइड है, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट कहता है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस वर जीरो, अगर नेट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए बच्चों कि यहाँ पर नेट फ्लक्स जो है वो जीरो है, ठीक है, सरफेस से। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसकी दो बातें हो सकती हैं कि या तो अंदर चार्ज है ही नहीं, और या ये हो सकता है कि जितना चार्ज प्लस का है उतना ही चार्ज आपका माइनस का है, तो इसलिए कैंसिलेशन हो जाएंगे हमारे। तो व्हाट बॉक्स आर जीरो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, तो आंसर होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी जीरो होना चाहिए, तो हम ऐसा लिखेंगे। तो बच्चों ये कंक्लूजन निकाल के देंगे हम कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फ्लक्स अगर ज़ीरो कह रहे हैं तो वहाँ पर चार्ज भी ज़ीरो हो, ये बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है कि नेट फ्लक्स पियर्सिंग थ्रू द सरफेस डिपेंड्स अपॉन द टोटल चार्ज नॉट द चार्ज तो कंटेन इन द बॉडी। इफ द नेट फ्लक्स इज जीरो देन इट कैन बी इन्फर्ड दैट, ऐसा बोला जा सकता है कि नेट जो चार्ज है ना बच्चों, क्यू का नेट का जो टर्म है वो जीरो है, दैट मीन्स आपके पास इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस हैं और इक्वल अमाउंट में आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, जो आपको कह रहे हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पे जीरो कर लीजिए। उसकी वजह से बच्चों नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना गॉस लॉ का या फ्लक्स का फॉर्मूला ऐसा होता है, ये चार्ज ना एक नहीं होता है, ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन उनको कंबाइन करके लिखना होता है, स्केलर होते हैं बच्चों ये। तो Q1-Q2 का टर्म या अज्यूम कर लो दोनों सेम होंगे अपोजिट पोलैरिटी वाले, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये टर्म जीरो हो सकती है, लेकिन ये ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है कि चार्ज ही नहीं है वहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं।